हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री हरिवंश। अभी मैं एक दो दिन के लिए थोड़ा बिजी था। लोग बोलोगे सर कुछ ज़्यादा ही स्किल्स देते हैं, तो मैं थोड़ा घूमने चला गया था। और वहाँ पे नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू था कि हमारी क्लासेस पढ़ी नहीं पाई वहाँ पे। तो अभी तक हमने सारे पैसेजेस देखे, ठीक है? अभी तक हमने सारे पैसेज पढ़े हुए हैं, और पैसेज में आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि पैसेज क्या होते हैं, कैसे उनको करना होता है, सारा आइडिया मिल गया होगा। तो आज का हम क्या देख रहे हैं कि आज हम वन वर्ड्स देखेंगे, एटलीस्ट 10 नहीं 20 नहीं 30 40 50 50 समथिंग हम वन वर्ड देखेंगे जो हमारे पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ज्यादा से ज्यादा उनको आप अगर रीड करोगे तो आपके एग्जाम में उनमें से उनसे रिलेटेड कुछ आएंगे भी। वन वर्ड्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए, तो ये सब चीजें ज्यादा आती हैं, एज कंपेयर अदर लाइक नाउन प्रोनाउन, ये लगभग सबको आता है। तो आज हम देखेंगे ये कि आपके वन वर्ड्स क्या होते हैं। वन वर्ड्स सबको पता है कि वन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। वन वर्ड्स हमारी वो होते हैं जिनके, जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम एक्सप्लेन करने, जैसे कि कोई नास्तिक हो गया, तो नास्तिक होना जो भगवान को ना मानने वाला, ठीक है? भगवान को ना मानने वाला वो नास्तिक होगा, हिंदी में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है? और जैसे कि भगवान को मानते हैं वो कौन होते हैं, आस्तिक होते हैं। तो ऐसे ये वन वर्ड्स होते हैं, ठीक है? ऐसे हमारे इंग्लिश में भी वन वर्ड है, तो हमको वही देखना है कि वन वर्ड्स क्या है, ठीक है? चलो हम देखने की कोशिश करेंगे क्या है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी, ये है हमारे वन वर्ड्स। तो हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक का मतलब होता है आत्मसंयमी, ठीक है? जिसको अपने ऊपर कंट्रोल हुआ वो हमारा क्या होगा, एसेटिक, ठीक है? आत्मसंयमी। और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो लाइक दोज काइंड ऑफ पर्सन्स विच हैव कंट्रोल ऑन सोल, जिनके ऊपर, जैसे कि अपनी आत्मा के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है, उनको हम बोल सकते हैं एसेटिक पर्सन, आत्मसंयमी, ठीक है? वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ रेस्ट्रेंट, ठीक है? वो हमारे सारे क्या हो गए, वो हमारे सारे हो जाते हैं आपके एसेटिक, ठीक है? एसेटिक हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है हमारा खगोल विज्ञान, ठीक है? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी हमारा होता है खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी जो टर्म है, जो वर्ड है, वो हमारा कहाँ से आया है? साइंस से, साइंस से रिलेटेड वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रिकल बॉडीज। कैलेस्ट्रिकल बॉडीज वो होती हैं जो खगोलीय पिंड होते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये सब तो वही है जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं। जैसे विज्ञान जो खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? एसेटी की बात करें, जो आत्मसंयमी होते हैं, आत्मसंयमी वो होते हैं जो वन हु प्रैक्टिस सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मनिषेध का अभ्यास करना, ठीक है? आत्मनिषेध का अभ्यास करना, ठीक है? एसेटिक, आत्मसंयमी, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्मनिषेध का जो अभ्यास करते हैं उनको एसेटिक बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान को बोलते हैं जो कि साइंस का टर्म है। साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैलिस्टिकल बॉडीज, ठीक है? कैलिस्टिकल बॉडीज, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो
विज्ञान के खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित है, जो हमारे टेलिस्कल बॉडी से संबंधित, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ऐसे हम बात करते हैं एथिस्ट, एथिस्ट होते हैं जो हमारे, एथिस्ट जो नास्तिक, जैसे कि अभी मैं हिंदी में आपको बोलता था नास्तिक कौन होते हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं, सेम एज यहाँ पे है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्ट होने का बिलीव नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट, नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द क्या नाम है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो यूसर के अस्तित्व को ना मानते हो, उनको बोलते हैं एथिस्ट। ऑडिटर, ऑडिटर क्या होते हैं? अंकेक्षक। अंकेक्षक का मतलब हो गया लाइक जो हमारे आप कह सकते हैं जो एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन का मतलब हो गया जैसे कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसका जो एग्जामिन करते हैं उनको जो रिजल्ट देते हैं पढ़ के, मतलब तुम सही हो या गलत हो, उनको बोलते हैं ऑडिटर, अंकेक्षक। ठीक है। वन हु एग्जामाइंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उनको जो मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है। जो किसी कंपनी के लेखा जोखा को जांच करता है उनको हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। ठीक है। बिब्लोफाइल, बिब्लोफाइल क्या होता है? पुस्तक प्रेमी, जिनको दैट काइंड ऑफ पर्सन हुज लव बुक्स। ठीक है। जिनको बुक से बहुत ज्यादा प्यार होता है उनको हम बोलते हैं बिब्लोफाइल। समवन हु लव्स बुक, कोई व्यक्ति जो किताबें पसंद करता है उनको हम क्या बोलते हैं? बिब्लोफाइल। अगला क्या है? विलुंगल। विलुंगल क्या होता है? हमारा द्विभाषिक। द्विभाषिक का मतलब अ पर्सन हु कैन स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज को बहुत फ्लुएंटली पढ़ सकता है, बोल सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बिलिंगुअल। बिलिंगुअल एक ऐसे करके शायद ऐप भी आता है, कौन सा आता है ऐप याद नहीं आ रहा, वो उसपे आपको इंग्लिश के वर्ड्स देते हैं और उसमें आगे आप अपने डालते रहते हैं जो आपको आता है, आप टेस्ट लेते रहते हो और आपकी लेवल अपग्रेड होता रहता है। ब्रिंगल ऐसे करके शायद आता है, ब्रिंगल ऐसे करके शायद। तो आगे क्या है हमारा? आगे जो हमारा नेक्स्ट है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? यूशर की निंदा करने वाला। स्पीक अगेंस्ट अगेंस्ट स्पीक अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सेम इज लाइक एथिस्ट, लाइक एज एथिस्ट वैसे ही हमारा क्या होता है? ब्लास्फेमी मतलब यूशर की निंदा करने वाला। स्पीक अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लाइक जहाँ पे हम क्या देखते हैं, जहाँ पे डिबेट होती है सम टाइम, आप देखते हो राम मंदिर सब पे डिबेट होती है, कुछ पर्सन होते हैं जो राम मंदिर को लाइक करते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं जो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं ब्लास्फेमी। स्पीक अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बुक बॉम। बुक बॉम क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक्स वेरी मच, एक व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है वो होता है हमारा बुक बॉम। बुक बॉम किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक्स, जिनको किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है उनको हम क्या बोलते हैं? बुक बॉम। ठीक है। बुके, बुके क्या होते हैं? गुलदस्ता, सुने होगा कि वो उसके लिए बुके लेके गए, गुलदस्ता। अ बंच ऑफ फ्लावर्स दैट समवन हैज अरेंज्ड इन अट्रैक्टिव वे, मतलब फ्लावर्स को एक अट्रैक्टिव वे में अरेंज करने के क्या बोलते हैं? बुके। ठीक है, बुकेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? भंगूर। एक ब्रिटल होता है मटेरियल जो जल्दी टूटता है। ठीक है। वैसे ये है ब्रिटल, भंगूर खस्ता, हार्ड बट इजली ब्रोकन, सेम है ब्रिटल वही है, हार्ड बट इजली ब्रोकन, दिखने में तो हार्ड है, कस टाइप की प्लास्टिक, दो टाइप की होती है, लाइक एक ब्रिटल होता है एक रिजिड होता है। ठीक है। तो ब्रिटल वाला जो है वो क्या होता है, दिखने में टाइट है बट अगर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो चट्ट से टूट जाएगा। ठीक है। तो वो होता है हार्ड बट इजली ब्रोकन। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है? अ गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइमरी बाई ऑफिशियल्स, एक सरकार जो मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या कर्मचारी शासन। ठीक है। अ गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइमरी बाई ऑफिशियल्स, एक सरकार जो मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइमरी बाई ऑफिशियल्स, एक सरकार जो मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। आगे क्या है? बोरो। बोरो क्या है? माद या बिल। अ होल डग बाई एन एनिमल टू लिव इन, किसी जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया एक छेद, उसको हम क्या बोलते हैं? बोरो। बोरो ठीक है। माद या बिल, यहाँ पे जानवर रहता है। ठीक है। आगे क्या है? कैनिबल। कैनिबल मतलब आदमखोर नरभक्षी, लाइक लाइन। ठीक है। चाहे वो लाइन हो या फिर मैन हो, कोई हो। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव मांस खाते हैं, नरभक्षी लाइक लाइन वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कार्वन। कार्वन क्या है? काफिला या कारवा।
कार्वन, कार्वन क्या है, एक काफिला या फिर कारवां। अ कंपनी ऑफ ट्रेवलर्स ऑन अ जर्नी थ्रू हॉस्टाइल रीजन, कठिन क्षेत्रों से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों का एक समूह या कंपनी, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्वन। ठीक है, उनके क्या बोलते हैं हम, कार्बन। आगे क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया ये, लेकिन मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करूँ क्योंकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग डिसीजेस, डिसीजेस ऑफ द हार्ट, जो डिसीज मतलब बीमारियां, दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला विशेषज्ञ, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्नी वायरस क्या होता है, मांसाहारी, अ पर्सन एनिमल और अदर लिविंग क्रिएचर दैट ईट्स मीट, एक व्यक्ति जानवर या अन्य जीवित प्राणी जो मांस खाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्नी वायरस, कॉर्नी वायरस मतलब मांसाहारी। आगे क्या है, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है नक्शाकार या मानचित्रकार। वन हु मेक्स मैप, जो नक्शा बनाता है उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। वन हु मेक्स मैप, जो नक्शा बनाते हैं। ठीक है, कार्टोग्राफी क्या होता है, मानचित्रकारी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप, मानचित्र नक्शा बनाने वाला कला और विज्ञान, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कोरियोग्राफर क्या होता है, नृत्य या प्रशिक्षक, अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशंस, उनको बोलते हैं, एक व्यक्ति जो नृत्य की रचना करता है। कॉर्नोलॉजी, कर्नोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम, मैम पढ़ा दिया ना माध्यम मैम, कॉर्नोलॉजी घटनाक्रम। द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस, द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस, उनको बोलते हैं कॉर्नोलॉजी, जिसमें घटनाओं के क्रम की एक श्रृंखला घटित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगह से भय, छोटे स्थान से भय, फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कंफाइंड स्पेस, संकीर्ण या सीमित स्थान से होने का भय, वो हमारा क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आया आपका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है धार्मिक सभा, अ ग्रुप ऑफ पर्संस गैदर्ड फॉर वर्शिप प्रेयर ईटीसी इन अ चर्च, किसी चर्च में पूजा प्रार्थना आदि के लिए एकत्रित व्यक्तियों का समूह, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या आता है, कॉनेजर, कॉनेजर क्या होता है, पारखी, जो जिनको क्या होता है, परख होती है हर चीज की, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट, फूड और ड्रिंक, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है वो पारखी होते हैं। ठीक है, जरिए उनको बहुत ज्यादा परख है। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, द अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न, तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाना या प्रतीत करता है उसको अपने बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्टेम्पोरी, कॉन्टेम्पोरी का शंकर, पर्सन लिविंग इन द सेम एज, एक ही काल में रहने वाला व्यक्ति कॉन्टेम्पोरी होता है। ठीक है, आगे क्या है, कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित, वन हु इज गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी, मतलब एक सीरियस इंजरी या फिर इलनेस के बाद एक बेटर परफॉर्म करता है, जो गंभीर बीमारी से निकल आता है, उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित। आगे क्या है, क्रूडलेस, क्रूडलेस क्या है, सीधा या भोला व्यक्ति, वन हु इजिली ट्रस्ट एवरीवन, जो इजिली ट्रस्ट करता है सब पे, उनको बोलते हैं क्रूडलेस। ठीक है, जो आसानी से सभा पर विश्वास कर लेता है, सभी पर विश्वास करता है, उसको बोलते हैं क्रूडलेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या आता है, क्यूटर, क्यूटर क्या होता है, संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष का मतलब हो गया आपका किसी चीज को संग्रह करने वाला, अ मैनेजर और इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, किसी चीज का मैनेजर या फिर इंचार्ज, जो म्यूजियम के होते हैं जिनको संग्रह करते हैं हर चीज को, जो इंपॉर्टेंट चीज को रखते हैं सही से, उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, क्यूरेटर। ठीक है, संग्रहाध्यक्ष। ठीक है, आगे क्या है, सैनिक, सैनिक क्या है, निंदा क्या, मानव देश, समवन हु ऑलवेज थिंक्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, कोई व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि लोग केवल अपने लिए काम करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा सैनिक, निंदा क्या, मानवदेशी। डोमेट्री, डोमेट्री क्या होता है, डोमेट्री, डोमेट्री का मतलब होता है शयनशाला, अ रूम कंटेनिंग सेवरल बेड्स फॉर स्लीपिंग स्पेशली एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, एक ऐसी जगह जहाँ पे, एक ऐसा रूम जहाँ पे बहुत सारे बेड्स हम कंटेन करते हैं, रखते हैं, या चाहे स्कूल हो या यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्टल्स, लाइक वहां पर बताते हैं डोमेट्री, डोमेट्री। ठीक है, विशेष रूप से स्कूल और विश्वविद्यालय में सुनने के लिए एक कमरा जिसमें कई बिस्तर होते हैं, उनको बोलते हैं डोमेट्री। ड्रॉ, ड्रॉ क्या होता है, अपरिमाणित, अपरिमाणित मतलब अ रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच बोथ टीम्स गेट द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, किसी खेल का परिणाम, परिणाम जिसमें दोनों टीमों का समान अंक मिलता है, उसको बोलते हैं ड्रॉ। ठीक है, कहते हैं ना ड्रॉ हो गया मैच, वही सेम। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्या होता है,
इकोनॉमिकल मतलब होता है इकोनॉमिकल कंडीशन लाइक वीक, ठीक है, अल्प व्यय या मित व्यय, वन हु स्पेंट लेस मनी टाइम बीटीसी, जो जिनके पास कम मनी है कम पैसे वाले, उनको होता है इकोनॉमिकल वीक पर्सन, वीक पर्सन, ठीक है, जिनकी संख्या एक में चाहे पर्सन हो चाहे जानवर हो, जिनकी वो इकोनॉमिकल है। ईडीबल्यूडी मतलब खाने योग्य, समथिंग फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कुछ ऐसे जो मनुष्य मनुष्य के खाने के लिए उपयुक्त हो। एडिबल मतलब खाने योग्य, समथिंग फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कुछ ऐसा जो मनुष्य के खाने के लिए उपयुक्त हो, उसको बोलते हैं ईडिबल, ठीक है, खाने योग्य। नेक्स्ट क्या है, एफमिनेट, एफमिनेट, एफमिनेट मतलब जनानी या नारी जैसा, एफमिनेट, अ मैन हु बिहेव लाइक अ वुमेन, जो वुमेन वुमेन की तरह बिहेव करते हैं, अ पर्सन हु बिहेव लाइक अ वुमेन, जिनकी एक्टिविटीज एक वुमेन की तरह होती है, उनके जो बात करने का तरीका है वो वुमेन्स की तरह होता है, उनको बोलते हैं एफमिनेट, ठीक है, एफमिनेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एगोइस्ट, एगोइस्ट मतलब स्वार्थी, ठीक है, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति जो एगोइस्ट होता है, जिसके अंदर ईगो होता है। आगे क्या है हमारा, एलेजी, एलेजी क्या है, विलाप या शोक गीत, अ पोयम दैट मॉस द डील पीपल, एक कविता जो मृत लोगों के लिए दुख प्रकट करे। एम्बेजल, एम्बेजल मतलब गबन करना, थेफ्ट ऑफ मनी दैट इज इन योर पोजीशन, उस धन की चोरी, ठीक है, एम्बेजल। एमिग्रांट मतलब परदेश जाने वाला, हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में रहने चला गया है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों की स्टडी पे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, ठीक है, एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। ये आपका नेक्स्ट जो है एपिलोग, एपिलोग मतलब होता है उपसंहार, अ शॉर्ट स्पीच एडेड एट द एंड ऑफ अ प्ले बुक इटीसी, किसी नाटक किताब इत्यादि के अंत में जोड़ा गया छोटा भाषण, उसको बोलते हैं एपिलोग। नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्मृति लेख, इपिटैप, इपिटैप मतलब स्मृति लेख, अ शॉर्ट नोट रिटन ऑन द टोम्बस्टोन ऑफ अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति की समाधि पर लिखा गया एक छोटा लेख, अ शॉर्ट नोट रिटन ऑन द टॉम्स्टन ऑफ अ डील पर्सन, इपिटैप, इपिटैप मतलब स्मृति लेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, यूथनेशिया, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, जो आपके पुराने जो हमारे पृष्ठ वगैरह होते थे वो यूथनेशिया होते थे, मतलब उनके इच्छा मृत्यु का प्रधान, लाइक आपके भीष्म पितामह वगैरह यूथनेशिया में थे। वन हु वांट टू डाई बीइंग सैड ड्यू टू डिप्रेस्ड आर्म्स ऑफ सम डिसीज, डिसीज 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 मतलब जो किसी बीमारी से उदास होकर मरना चाहता है। एक्शनरेट, एक्शन मतलब आरोप मुक्त, वन हु इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, वो जो किसी अपराध के लिए दोषी ना हो। एक्सट्रेपोल, एक्सट्रेम मतलब एक्सट्रेपोल मतलब पल भर में या तुरंत, स्पोकन डन और रिटन विदाउट एनी प्रीरियर प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के बोला किया लिखा गया, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथनोलॉजी, मानवीय जात विज्ञान, साइंस रिलेटेड टू मैनकाइंड, मनुष्य जात से संबंधित विज्ञान, ठीक है। अगला क्या है, फैस्टिडियस, फैस्टिडियस मतलब तनुक मिजाज, हार्ड टू प्लीज, खुश करना या आसान ना हो, ठीक है। फैटल, फैटल मतलब प्राणनाशक, ठीक है, फैटल मतलब प्राणनाशक, घातक मतलब फैटल मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक हो गई, दैट कैन कॉज डेथ, ठीक है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फूल बेचने वाला, द पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फ्लावर्स को सेल करता है उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है, द पर्सन हु सेल्स फ्लावर। आगे क्या है, गैलियस, गैलियस मतलब बातनी वाचाल, वन हु टॉक अननेसेसरली, जो अनावश्यक बातें करता हो उनको बोलते हैं गैलियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोकाइट, ग्रोकाइट मतलब जनसंहार या मारकाट, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ एन इंटायर रेस, जानबूझकर की गई संपूर्ण जात की हत्या। जियोलॉजी, भूगर्भ या विद्या, ठीक है, द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ अर्थ, वह विज्ञान जो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित हो। आगे क्या है, ग्रंटोक्रेसी, ग्रंटोक्रेसी क्या होता है, वृद्ध लोगों का शासन, अ सिस्टम रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, ठीक है। आगे क्या है, ग्लोटोन, ग्लोटोन मतलब पेटू या भुक्कड़ इंसान, हु ईट्स अ लॉट, ठीक है। ग्रीक आयरिश, ग्रीक आयरिश क्या होता है, ग्रीक आयरिश मतलब होता है हमारा मिलनसार, एनी मैन और एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, समूह में रहने वाला कोई मनुष्य या पशु। आगे क्या है, गुलेबल, गुलेबल मतलब सीधा या भोला, वन हु कैन बी इजिली चीटेड, जिसे आसानी से ठगा जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं गुलेबल, ठीक है। गेट
सही।